को गर्म करके पीजिए, कई लोग कह रहे कि गर्म पानी से नहाइए, सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा। अब जैसे इस एक पोस्ट को ही ले लीजिए जिसे कई देशों में हजारों लोगों ने शेयर किया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि गर्म पानी पीने और सूरज की रोशनी में रहने से इस वायरस को मारा जा सकता है। इस दावे में आइसक्रीम को ना खाने की सलाह भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, इस मैसेज के साथ फर्जी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि ये तमाम बातें यूनिसेफ ने कही है। यूनिसेफ के लिए काम करने वाली चार्लेट गॉर्निस्क कहती हैं कि हाल ही में एक मैसेज यूनिसेफ के नाम से ऑनलाइन फैलाया जा रहा है कि आइसक्रीम और ठंडी चीजों से दूर रहने से इस वायरस से बचा जा सकता है। ये पूरी तरह से झूठा मैसेज है। तो गर्मी का वायरस पे क्या असर पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। कोरोना वायरस लिक्विड ड्रॉपलेट्स यानी छींकते हुए बाहर आने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। अगर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो एक वक्त पर 3000 ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। इन ड्रॉपलेट्स में करोड़ों कोरोना वायरस प्रोटीन कवरिंग में होते हैं। कोरोना वायरस शरीर से बाहर कितनी देर एक्टिव रहता है? अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ने अपने रिसर्च में पाया है कि ये वायरस लिक्विड ड्रॉपलेट्स में 3-4 घंटे जिंदा रह सकता है। ये ड्रॉपलेट्स कुछ वक्त के लिए हवा में तैर सकते हैं। उसमें से कोई ड्रॉपलेट अगर लकड़ी पर पड़ा तो 24 घंटे से ज्यादा एक्टिव रह सकता है। अगर वो स्टेनलेस स्टील पर पड़ा तो 2-3 दिन। इसका मतलब है कि जिसको कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है और उसने कुछ छुआ या छींका तो वही चीज आपने छू ली और आंख नाक मुंह के जरिए आपके शरीर में वायरस चला गया तो संक्रमण हो सकता है। ये ध्यान रहे कि सिर्फ छूने से नहीं बल्कि आपके शरीर में जाने से संक्रमण होगा। अब देखते हैं कि गर्मी से कितना प्रभाव पड़ेगा। कोरोना वायरस 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक नष्ट नहीं हो सकता। उतना तापमान ना भारत में है और ना किसी के शरीर के अंदर। कुछ वायरस तापमान बढ़ने के बाद नष्ट होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस पर क्या परिणाम होता है इसके बारे में ब्रिटिश डॉक्टर सारा जार्विस कहती हैं कि 2002 में सार्स महामारी नवंबर में शुरू हुई थी और जुलाई में खत्म हो गई थी। तापमान बदलने की वजह से रुकी ये अब भी बताना मुश्किल है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर परेश देशपांडे का कहना है कि अगर कोई भारी गर्मी में छींका तो कोरोना ड्रॉपलेट जल्दी सूख सकते हैं और कोरोना का संक्रमण कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। हम जानते हैं कि फ्लू वायरस गर्मी के दौरान शरीर के बाहर नहीं रह पाता, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि कोरोना वायरस पर गर्मी का क्या असर पड़ता है। तो गर्मी में कोरोना नष्ट होगा इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तापमान के भरोसे मत बैठिए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में फैला है और उनमें जिनमें ग्रीनलैंड जैसे ठंडे देश भी शामिल हैं और दुबई जैसे गर्म शहर भी, मुंबई जैसे ह्यूमिड शहर भी और दिल्ली जैसे ड्राई शहर भी। एक बार अगर ये वायरस शरीर में घुस गया तो इसे मारने का तरीका अभी तक इजाद नहीं हुआ है। हमारे शरीर को इससे लड़ना होगा। हालांकि अगर हम अपनी बेडशीट को धोकर रखेंगे तो इस वायरस को वहां से जरूर हटा सकते हैं, लेकिन शरीर में घुस चुके वायरस को शरीर धोकर नहीं निकाला जा